नमस्कार, मैं नीलम सावन स्पाइस बॉक्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की हमारी रेसिपी है सेवैया की खीर, और उसके लिए इस्तेमाल होने वाली सामग्री है दूध, बारीक सेवैया, घी, शक्कर, काजू बादाम की कतलियाँ, केसर, इलायची पाउडर, चारोली और कंडेंस्ड मिल्क। देखते हैं कैसे बनाते हैं सेवैया की खीर। पहले मैं एक पैन को गर्म करती हूँ और दूसरे एक पैन में दूध उबलने के लिए रखती हूँ। दूसरा पैन यहाँ गर्म हो रहा है। बर्तन गर्म हो चुका है, उसमें हम 2 चम्मच घी डालेंगे। घी को ठीक से गर्म करेंगे। मार्केट में आपको 2-3 किस्म की सेवैया मिलती है, पर ज्यादातर ये बारीक सेवैया लेने से उसकी खीर बहुत अच्छी बनती है। अब घी गर्म हो चुका है, इसमें हम सेवैया डालेंगे और इसे ठीक से भून लेते हैं। सेवैया अच्छी तरह से भून चुकी है। अब इसके अंदर हम ये उबला हुआ दूध डालेंगे। दूध जरा धीरे धीरे डालना है और देखना है कि सेवैया में गांठे ना पड़ने पाए। दूध डालने के बाद अपनी सेवैया अच्छे से पक चुकी है। अब इसमें हम शक्कर डालेंगे, तकरीबन आधी कटोरी शक्कर। शक्कर और फिर थोड़ा केसर, इलायची पाउडर, चारोली, काजू बादाम पिस्ता की कतलियां, ये सब डालकर हमारी खीर को अच्छे से उबालते हैं। हमारी खीर तैयार हो चुकी है। अब इसके अंदर सिर्फ टेस्ट के लिए 1 या 2 चम्मच कंडेंस्ड मिल्क डालेंगे। और कंडेंस्ड मिल्क डालकर एक उबाल आने देंगे। अपनी सेवैया की खीर तैयार है। मैं अब प्लेटिंग करती हूँ। फिर से ऊपर से थोड़े काजू बादाम पिस्ता की कतलियां डालते हैं। खाने के लिए तैयार है हमारी गरम सेवैया की खीर।